जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूँ कि आप कुछ नया और कुछ अच्छा सीख रहे होंगे। इस प्लेटफॉर्म को वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो कि हार्ड कोर डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाना उनका सपना है। अगर वो सपना देख रहे हैं तो इस चैनल पर ज़रूर मुझसे जुड़िए और देश की सेवा ज़रूर करिए। एज अ ऑफिसर मैं आप लोगों को बिल्कुल गाइडेंस दूंगा क्योंकि मेरा खुद का अनुभव रहा है SSBs का एंड अदर CDS CAPF एग्जाम जैसे मैंने खुद क्वालिफाई करे। तो आपसे बस एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप तैयारी में जुड़ जाइए। आपका जो अपकमिंग एग्जाम होने वाला है जो कि अप्रैल में है और नेक्स्ट जो है सितंबर में, 1 सितंबर को, तो आपकी उसकी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। दिसंबर का करंट अफेयर फुल 40 MCQs मैंने रखे, बेस्ट 40s, क्योंकि बहुत सारे न्यूज हो जाती है तो उसमें से क्रक्स निकाला है क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। आज मैं जनवरी का लेके आया हूँ, जनवरी 2024 का, क्योंकि अप्रैल में तो बेसिकली आने वाला है और सितंबर में तो डेफ श्योर है आएगा। तो कुछ क्रक्स मैंने क्वेश्चंस रखे हुए हैं तो आप जरूर उसे देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। अब आपको कोई भी क्वायरी हो तो आप कहाँ जाएंगे, अगर मुझसे कोई क्वायरी हो या मुझसे कोई PDF की डिमांड हो आपकी तो कहाँ जाएंगे आप, तो इस नंबर पे आप क्या करेंगे, मुझे WhatsApp करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हम क्या कर सकते, आपसे जुड़ सकते, आप मुझसे जुड़ सकते, प्लस टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ओपला डिफेंस टेलीग्राम है, यहाँ भी मैं आपको मिल जाऊंगा और यहाँ MCQ प्रैक्टिस होती है और PDF और नोट्स वगैरह आपको यही मिलेंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। तो माय नेम इज रोहित रानवे, करंट अफेयर UPSC NDA CDS CAPF और डिफेंस के कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो बेसिकली करंट अफेयर पूछा जाता है और करंट अफेयर मैं डैम श्योर हूं मेरे करंट अफेयर में से करंट अफेयर आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, फर्स्ट पॉज करेंगे और इसका जवाब देंगे और उसके बाद में इसका आंसर आपको दूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट हो जाओ। विच आर द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी फॉर द रिसेंट लॉन्च एक्सपो सेट एक्सरे पोलर मीटर सैटेलाइट बाय इसरो। इसरो का जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एक्सपो सेट, तो पॉज करेंगे, इसका जवाब देंगे, ठीक है। चलो मैं आगे डिस्कस करता हूं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द रिसेंट लॉन्च एक्सपो सेट एक्सरे पोलर मीटर सैटेलाइट, थोड़ा सा नाम याद रखना, एक्सरे पोलर मीटर सैटेलाइट इसरो इन्वेस्टिगेट द पोलराइजेशन ऑफ इंटेंस एक्सरे सोर्सेस स्टडी फॉर द ब्लैक होल्स, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछा गया हुआ है, किसके लिए स्टडी कर रहे हैं, तो हम किसके लिए स्टडी कर रहे हैं, ब्लैक होल्स के लिए, न्यूट्रॉन स्टार एंड अ ब्लैक होल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लैक होल्स, ठीक है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये उसका आंसर है, आप देख सकते हैं। चलो आगे देखे, क्वेश्चन सेकेंड, विच ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विथ CCRAS लॉन्च द स्मार्ट 2.0 प्रोग्राम टू परमानेंट क्लिनिकल स्टडीज इन द प्रायोरिटी एरिया ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है। तो आयुष मिनिस्ट्री, नीति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है स्मार्ट 2.0 CCRS, चलिए जल्दी बताइए, पॉज करें और इसका जवाब लिखें, ठीक है। देखिए आपका जितना पार्टिसिपेशन रहेगा, आपका जितना पार्टिसिपेशन रहेगा, आई एम डैम श्योर आपका सिलेक्शन उतना ज्यादा नजदीक रहेगा, ठीक है। चलो आगे देखें इसका आंसर, द सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड आयुर्वेदिक साइंस, इसका फुल फॉर्म देख लेंगे, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड आयुर्वेदिक साइंस, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिकल लॉन्च द स्मार्ट 2.0 प्रमोट क्लिनिकल स्टडी इन प्रायोरिटी एरिया ऑफ आयुर्वेदिक, ठीक है। तो किसका कोलैबोरेशन रहा है, नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिनल साइंस, ठीक है। आई होप सो इट विल बी क्लियर। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज डिसाइड टू इंट्रोड्यूस सो कॉल्ड कॉपीलॉट की PC कीबोर्ड, ठीक है। कौन सी कंपनी ने कॉपीलॉट की
क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है एप्पल, डेल, माइक्रोसॉफ्ट और लिनोवो। पॉज करिए और इसका जवाब दीजिए। करंट अफेयर क्रक्स आपके लिए लेके आया हूं मैं और आपको इसको ढंग से कवर करना है, ठीक है। चलो आंसर देखिए इसका, तो माइक्रोसॉफ्ट, इसका आंसर क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट इज इंट्रोड्यूस नोटेबल फीचर सम ऑफ न्यूज न्यू पर्सनल कंप्यूटर रनिंग इट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कॉपी लॉट कीज, ठीक है। और ये आर्टिफिशियल चैटबॉट्स वगैरह भी लेके आया है, जिसके वजह से क्या होगा, समाज में या सोसाइटी में नए तरीके के इनोवेशंस की खोज करी जा सकती है और कहीं ना कहीं यह हेल्पफुल होगा हमारे सोसाइटी के लिए। चलो आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैलेंडर डू सर्टेन ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च लीडिंग द क्रिश्चियन सेलिब्रेट जनवरी 7। कौन सा ऑर्थोडॉक्स चर्च है, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च है, जो कि सेलिब्रेशन करता है क्रिसमस को जनवरी 7 को? ग्रेगोरियन कैलेंडर, रशियन कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर और चाइनीज ल्यूनर कैलेंडर, ठीक है। 7 जनवरी को कौन सेलिब्रेट करता है क्रिसमस, ठीक है। पॉज करें और इसका जवाब दे। यूपीएससी है और खासकर डिफेंस का एग्जाम है, तो आपको ढंग से स्टडी करनी ही होगी और उसके पर्याय रास्ता नहीं। चलो देखिए आगे, तो सर्टन ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्चेज इंक्लूडिंग रशिया एंड अदर ट्रेडिशन ऑब्जर्व क्रिसमस जनवरी 7 ड्यू टू द एडरेंस ऑफ द एशियंट जूलियन कैलेंडर, ठीक है। तो जूलियन कैलेंडर कौन फॉलो करता है क्रिसमस जनवरी 7 को, रशिया, ठीक है। तो यहां क्या ऑप्शन था, जूलियन कैलेंडर, ठीक है, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च जो कि जूलियन कैलेंडर यूज करता। चलो आगे देखें, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूली डिस्कवर स्पीसीज कार्निवरस वॉर्म फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेम टेरर बीस्ट बाय साइंटिस्ट। उस स्पीसीज का नाम क्या है जो कि ग्रीनलैंड में पाया गया है, टेरर बीस्ट, और ये एक वॉर्म की प्रजाति है। तो फर्स्ट है आर्टिकियस, वॉर्मेनियस, पोलाट्रेसियस, प्रीडेटियंस, ग्रीनलैंडिकस, कार्निवोरस और टी मोरबिशियन कोप्रिक्स। लैटिन वर्ड्स है तो आपसे प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है, आपको एनडीए का एग्जाम और सीडीएस के एग्जाम्स निकालो, ठीक है। चलो तो पॉज करके इसका जवाब आपको देना है, इसका जवाब क्या होगा, साइंटिफिकली रिसेंट डिस्कवर्ड द फॉसिल ऑफ न्यू फाउंड स्पीसीज कार्निवोरस फ्रॉम ग्रीनलैंड टिम्बियोसिस कोप्रिसिस, जिसे टेरेस बीस बोला जाता है, इस तरीके का दिखता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टिम्बोरेसिस कॉपरिस, ठीक है। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, क्रक्स लेके आ रहा हूं मैं। चलो नेक्स्ट, विच इंडियन ग्रैंड मास्टर रिसेंटली रिसीव सपोर्ट फ्रॉम अडानी ग्रुप फॉर कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट। अडानी ग्रुप से सपोर्ट लिया गया है उसके खेल के लिए, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जो चेस टूर्नामेंट की बात कर रहा, विश्वनाथ आनंद, पेनेथिला हरिकृष्ण, विदित गुजराती या आर प्रज्ञानंद, बताइए। पॉज करिए और इसका जवाब दीजिए। तो इसका आंसर होगा आर प्रज्ञानंद, ठीक है। इसका जवाब क्या होगा, आर प्रज्ञानंद, ये रहे। 18 ईयर ओल्ड ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद, वन ऑफ द इंडियन ब्राइटेस्ट यंग चेस प्रोस्पेक्ट, रिसेंटली रिसीव सिग्निफिकेंट सपोर्ट फॉर अडानी ग्रुप फॉर हिज पार्टिसिपेशन ऑफ अपकमिंग कैंडिडेचर चेस टूर्नामेंट, ठीक है। देख सकते हैं, लांजिया सूर्या पेंटिंग विच रिसेंटली गॉट अ जीआई टैग बिलोंग
विच स्टेट? मैं अप्रैल वाले में डैम श्योर हूँ इससे क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो सितंबर वाले में तो जरूर क्वेश्चन बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं, यहां से क्वेश्चन बनेगा। लांजिया सोरा पेंटिंग जो जीआई टैग मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, वो कौन से स्टेट का है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड या बिहार? तो पॉज करिए और इसका जवाब मैं आपको बता देता हूं। तो ये मिला है किसको? उड़ीसा को। किसको मिला है? उड़ीसा को, ऑल्सो नो एज इकॉन्स इडियस, देख सकते हैं बहुत अच्छी खूबसूरती है। पीवीटी, पर्टिकुलर वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के अंदर मिलेंगे आपको, ठीक है? कहाँ मिलेंगे ये? रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के अंदर, ठीक है? बाकी सब आप पढ़ सकते हो, आपके लिए मैंने हर चीज की सुविधा पीडीएफ वगैरह सब दी हुई। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल वॉज हेल्ड एट, जो पहली मीटिंग इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल की हुई है वो कहाँ हुई है? चेन्नई, कोलकाता, मुंबई या वाराणसी? तो बताइए जल्दी, पॉज करिए, इसका जवाब दीजिए। आप कितना करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं पता चलेगा मुझे भी। तो इसका आंसर क्या होगा? कोलकाता। इसका आंसर क्या होगा? कोलकाता। इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑपरेट द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग, ये पता होना चाहिए। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी किस कौन ऑपरेट कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड वाटरवेज मेड अ हिस्ट्री टू इनॉग्रल मीटिंग ऑफ इनलैंड वाटर डेवलपमेंट काउंसिल इन कोलकाता। किधर हुआ है? कोलकाता के अंदर हुआ। दिल्ली वल्ली लगा के मत आ जाना। और 2047 तक, जो कि हमारा 100 साल होगा इंडिपेंडेंस का, तो रिवर क्रूज टूरिज्म रोड मैप बनाया जा रहा है, ठीक है? चलो आगे बढ़े। विच एयरपोर्ट इज द वेन्यू ऑफ विंग इंडिया 2024 इंडिया लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट्स? कहां पे द वेन्यू ऑफ विंग्स इंडिया 2024 सेलिब्रेट किया गया है? बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद, वारंगल एयरपोर्ट हैदराबाद, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद और श्री सत्य साई एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश? कहाँ सेलिब्रेट किया गया है द वेन्यू ऑफ विंग्स इंडिया 2024? तो इसका आंसर क्या होगा? बेगमपेट एयरपोर्ट पे सेलिब्रेट किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है? सिविल एविएशन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडिया, द फीचर्स ऑफ न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट डिस्प्ले फॉर द ऑक्सिलरी यूनिट इंडस्ट्री टूरिज्म एडवांसमेंट पार्टनरशिप एंड द फीचर्स ऑफ द फ्लाइंग्स, ठीक है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ये किया है। चलो आगे देखें। पॉलीगोनियम चैट बुनजम रिसेंटली सी इन न्यूज बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज? आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है, स्पीसीज ऊपर दी जा सकती है और ये नीचे दे दिया जाए, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि किस बेसिस पे ये बात हो रही है, तो आप पॉज करें और इसका जवाब देंगे। तो इसका आंसर क्या है? पिंच टाइगर्स रिजर्व में ये चीज मिली है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। पॉलीजियन जीन्स है, नेम एट द पॉलीजियम चैट जियम जी, हर्बिकस प्लांट है जो बायोडायवर्सिटी रीजन के अंदर है, ठीक है? और टाइगर रिजर्व भी है पिंच, ठीक है? तो पता चल गया होगा आपको, समझ में आ गया? तो ये उस तरीके का दिखता है। चलो आगे देखें। नेक्स्ट, हु सेट द भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड? अभी हम क्या कर रहे हैं? यूज BS6, पहले BS4 था, पहले BS2 था और BS1 भी था, तो हम लोग अभी 6 स्टेज पे पहुंच गए हैं। बेजल स्टैंडर्ड 6 या भारत स्टेज 6, ठीक है ना? हम लोग बेजल नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, जो कि
इन्वायरमेंट को बचाना है हमें, हमारे इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन लेवल सल्फर डाइऑक्साइड का बढ़ रहा है उसे कम करना है, इसलिए बेसल नॉर्म्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं भारत स्टेज 6। तो कौन सी क्या बोल सकते हैं, भारत स्टेज जो नॉर्म्स है वो कौन स्टैंडर्ड करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? तो इसका जवाब क्या होगा आपका, BS6 कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड ऑफ देयर इंप्लीमेंट टाइमलाइन। देख सकते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड द फॉरेस्ट। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए, आपके क्वेश्चन जरूर सॉल्व होंगे। नेक्स्ट, वॉट इज द नेम ऑफ प्रोजेक्ट लॉन्च बाय ISTIM, इंडिया साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड बेंगलुरु। ठीक है, तो कौन सी हम बोल सकते हैं क्या नेम है उस प्रोजेक्ट का जो ISTIM स्टार्ट किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु ने? समावेश प्रोजेक्ट, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब, संकल्प प्रोजेक्ट और पेटेंट फैसिलिटी प्रोग्राम। तो इसका आंसर क्या होगा, समावेश प्रोजेक्ट फर्स्ट वाला, ये आपसे पूछा जा सकता है। इनोवेशन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ISTIM का फुल फॉर्म ये है। ठीक है, तो कौन सा है, समावेश प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट है, समावेश प्रोजेक्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने बेंगलुरु लॉन्च किया है। ठीक है, आई होप सो ये आत्मनिर्भर भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। चलो आगे देखें, वॉट टाइप ऑफ मिसाइल इज न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल, किस तरीके की मिसाइल है जो कि आकाश मिसाइल है? सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, आकाश किस तरीके की मिसाइल है आपको बताना है, बताइए जल्दी। चलो देखिए आगे, ये बनाई किसने आकाश मिसाइल, DRDO ने। अचीव अ माइलस्टोन टू सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर, कहां से लॉन्च किए, चांदीपुर से। दिस सरफेस टू एयर मिसाइल, तो ये मिसाइल कैसी है, सरफेस टू एयर मिसाइल है और इंटरसेप्टेड हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल व्हीकल और लो एटीट्यूड। ठीक है, तो आकाश एनजी एनहांस इंडियन एयरफोर्स कैपेबिलिटी, तो हमने चेक भी करी है, आकाश सिस्टम देख सकते 25 किलोमीटर का स्ट्राइक रखता है, मार्च 2.5 की स्पीड है और 60 किलो का वॉरहेड मतलब न्यूक्लियर वॉर हेड रख उठा सकता है और इसका डायमीटर 35 सेंटीमीटर है और इसका वजन कितना है 720 किलो और इसकी लेंथ कितनी है 5.78 मीटर। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इस वजह से मैं आपके सामने ये चीजें रखी हुई। चलो आगे देखें, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इज अ टैरिफ ऑन कार्बन इनिशिएटिव प्रोडक्ट प्रपोज बाय विच इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म टैरिफ लॉन्च किया है, यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन या वर्ल्ड बैंक? जल्दी जल्दी बताइए, आगे बढ़े। तो इंडिया इज राइज अ कंसर्न ओवर द पोटेंशियल ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूए आपका होमवर्क है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज है उसका नाम आप मुझे कमेंट में लिखेंगे, अगर आप सीरियस कैंडिडेट है जो पढ़ाई कर रहे हैं। तो होमवर्क क्या, यूरोपियन नेशन के, यूरोपियन कंट्रीज यूई, यूरोपियन यूनियन के जो भी मेंबर्स हैं उनका नाम लिखेंगे कमेंट में। चलो नेक्स्ट देखें, विच टू एंटिटीज हैव रिसेंटली कोलैबोरेट द स्टीमलाइज सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन्स, कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूट है जो कि कोलैबोरेट किया है सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड ICICI बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड HDFC बैंक,
या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एसबीआई या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड एक्सिस बैंक। टेक योर टाइम, जवाब दीजिए। तो आंसर क्या होगा इसका, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि ऐसी महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, खुद का लघु या छोटा उद्योग स्टार्ट करना चाहती है, तो उनको 5 लाख रुपए तक का लोन कौन देगा, आपका एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलो नेक्स्ट देखे, हु सिक्योर द गोल्ड इन 56 kg कैटेगरी 2024 जैगरीव ओपन सिंगल्स। ठीक है, 57 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल किसने जैगरीव ओपन सिंगल्स में अचीव किया है। तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस आते हैं, तो अमन शेरावत, रवि कुमार ढैया, उदय चांद या दीपक पुनिया, बताइए जल्दी। आपकी तैयारी किस तरीके की चल रही है, आप खुद आकलन कीजिए। तो इसका होगा अमन शेरावत। ठीक है, कौन, अमन शेरावत, जो कि जैगरीव ओपन 2024 मेन सिंगल 57 kg में गोल्ड मेडल लेके आया है, और उनके कोच कौन है, ललित कुमार प्रसाद श्रीवास्तव डेडिकेशंस। ठीक है, और दीपक पुनिया वगैरह भी यही खेलते हैं, और रवि धैया भी यही खेलते हैं। ठीक है, कुश्ती, आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये रेसलिंग से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलो, रिसेंटली विच 3 इंडियन नेवी शिप वेयर डी कमीशन आफ्टर 40 ईयर ऑफ सर्विस। ऐसी कौन सी शिप है जो कि 40 साल बाद अपनी सर्विस से डी कमीशन करी गई है। INS चीता, गुलदार, कुंभार, INS राजपूत, सतपुरा, खंडारी, INS विक्रांत, सयाद्री, अरिहन, INS शिवालिक, करंज और वेला। ये तो अभी लेटेस्ट में ही बन रही है, करंज और वेला P15 प्रोजेक्ट के अंदर है, तो ये तो हो नहीं सकता है। विक्रांत हमारी सबमरीन है, न्यूक्लियर कैपेबल, तो इसका आंसर क्या होगा, INS चीता, गुलदार और गंभीर या कुंभीर। ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर से इनको डीकमीशन किया गया, अंडमान निकोबार से। ठीक है, और ये बिल्ड हुई थी पोलैंड में, इंडियन नेवी में 1984-86 में ज्वाइन हुई थी, और 17 लाख नॉटिकल माइल्स इनने कवर किया है, और कितने दिन चली है, 12,1300 डे ये सी में रही है, और दे प्रोवाइड रिलीफ आफ्टर 1997 साइक्लोन श्रीलंका के अंदर आया था, और 2004 इंडियन ओशन सुनामी के अंदर भी इन शिप ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, तो बहुत लेजेंडरी शिप्स है। क्वेश्चन बनेगा, आयुथिया इज अ मैरिटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट बाय विच टू कंट्रीज। आयुथिया कौन सी कंट्रीज के बीच में हुआ है, इंडिया चाइना, इंडिया थाईलैंड, इंडिया रशिया या इंडिया जापान, फटाफट बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, इंडिया और थाईलैंड। ठीक है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में, इंडियन नेवी और थाईलैंड नेवी देख सकते हैं आप, उनके बीच में अयोध्या एग्जाम हुई है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट, ये तो इजी चिकी पिकी क्वेश्चन है। सुल्तान बर्ड नेशनल बर्ड सेंचुरी रिसेंटली सीन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सुल्तानपुर, मैंने काफी बार पढ़ाया हुआ है, अगर मेरे से बच्चे ढंग से पढ़ रहे हैं तो उनको इसका जवाब पता होगा, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहां पर है, जल्दी बताइए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, सिक्किम, प्लीज मुझे कमेंट्स करिएगा, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहां पर है और सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां है, वो आपका होमवर्क है। ठीक है, तो ये हरियाणा के अंदर है। ठीक है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट लोकल बॉडी है। ठीक है, ये कहां पर है, हरियाणा गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और ये रामसर साइट भी है, 2021 में इसको अप्रूव किया गया है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, वन ऑफ द वेटलैंड लोकेशन भी है ये।
ठीक है, यहां अलग अलग तरीके की बर्ड्स आपको माइग्रेशन बर्ड्स दिखेगी। चलो, गोले मेला फेस्टिवल न्यूज में है तो कौन सी स्टेट में यह फेस्टिवल मनाया जाता है? गोले मेला फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या पंजाब? तो जल्द से जल्द इसका जवाब दीजिए। तो यह मनाया जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर उधमपुर। गोले मेला फेस्टिवल साल में दो बार मनाया जाता है और ये जगन्नाथ टेम्पल उधमपुर के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। और ये एक कम्युनिटी फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। When is the पराक्रम दिवस observed every year? पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 22 जनवरी, 21 जनवरी, 23 जनवरी या 25 जनवरी? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। आपकी तैयारी, मुझे डेफिनेटली श्योर हूं कि आपकी तैयारी धीरे धीरे अच्छी हो रही होगी। जो एमसीक्यूज में आपको करवा रहा हूं वो आपको हेल्प करेंगे आपके डिफेंस एग्जाम में। तो ये मनाया जाता है बर्थडे ऑफ सुभाष चंद्र बोस, जो कि 23 जनवरी को मनाया जाता है और 127th बर्थडे एनिवर्सरी मनाई गई थी, ठीक है। तो पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? जनवरी 23 को। Which one of the following describe pillow boat recently mentioned in the news? Pillow boats क्या है? ये एक साइक्लोन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेक न्यूज है, अ न्यू इनोवेटिव प्लांट इंस्पायर्ड रोबोट है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है फेक न्यूज फैलाने के लिए? जल्दी बताइए ये क्या है फिलो बोट। क्वेश्चंस इसी तरीके से फेम होंगे, आपको सुनिश्चित होना है अपने तौर पे। तो अ न्यू इनोवेशन प्लांट इंस्पायर्ड रोबोट, ठीक है। तो ये क्या है? प्लांट इंस्पायर रोबोट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिलो बोट। नेक्स्ट, बता द्रवा थान टेम्पल कौन सी जगह है? बता द्रवा थान टेम्पल कौन से जगह है? करंट में है, न्यूज में है, तो क्वेश्चन फेम होगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम या मिजोरम? अपना जवाब फटाफट लिखते जाइए। चलो, तो ये आपको कहां मिलेगा? असम के अंदर नागांव डिस्ट्रिक्ट बोरदुआना थान के अंदर, ठीक है। आपको कहां मिलेगा ये टेंपल? असम नागांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर बोरदुआना थान टेंपल, ठीक है। और कीर्तनगर ये फर्स्ट फाउंडर है 1494 एडी के अंदर, ठीक है। तो आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट, विच कंट्री इज सेट टू बिकम द फर्स्ट टू रूटीनली एडमिनिस्टर द न्यू मलेरिया वैक्सीन मॉस्क्यूलर टू द चाइल्ड? ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि एडमिनिस्टर कर रही है वैक्सीन ऑफ मलेरिया मॉक्यूरस एंड? बताइए जल्दी। नाइजीरिया, घाना, कैमरून, केनिया? जल्दी अपना जवाब लिखिए। तो इसका आंसर क्या होगा? कैमरून। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सब सहारन रीजन में बताया है कि जो मलेरिया फैल रहा है उसके कारण कहीं ना कहीं गरीबी और अनहाइजेनिक तरीके से जो लोग रह रहे हैं, अफ्रीकन गरीब नेशन से ज्यादातर, तो वहां मलेरिया फैलने की बहुत ज्यादा संभावना हो सकती है। तो हमको क्या करना है? बचाना है। प्लास्मोडियम फैल्सीपरम मलेरिया ट्रांसमिशन फैल रहा है, ठीक है। तो 95% मलेरिया से डेथ हमने देखने की, मतलब देखे हमने, ठीक है। चलो, तो आगे आप चीजें पढ़ लेना। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडिया सरपास विच कंट्री टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट ग्लोबली? ऐसी कौन सी कंट्री है जिसको हमने सरपास किया और चौथे नंबर पे इक्विटी मार्केट ग्लोबली हम आ गए? हांगकांग, सिंगापुर, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया?
करंट अफेयर 10 से 15 क्वेश्चन और वेरी कर जाता है कभी कभी 20 क्वेश्चंस। अगर आ जाते हैं तो भाई अपने हाथ में होने चाहिए, और ये हाथ में जब होंगे जब हमारी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। तो करंट अफेयर को मजाक में बिल्कुल नहीं लेना है। तो क्या है, फोर्थ लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट ग्लोबली, हांगकांग को हमने पछाड़ा है और हांगकांग से हम आगे बढ़े। तो इंडिया रिसेंटली ओवरटुक हांगकांग, किसको ओवरपास किया हमने, हांगकांग एज अ वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट ऑफ 4.33 ट्रिलियन, जो कि हमारी अब क्या हो गई, पहले हमारी क्या हो गई है 4.33 ट्रिलियन हो गई है और उनकी कितनी है 4.29 ट्रिलियन। ठीक है, आई होप सो इट विल बी क्लियर।